नहीं आलू ज्यादा धोता है, लेकिन उसके बाद खपत की मात्रा भी बढ़ती है हर वर्ष। कोल्ड के चट्टा आलू के रेट बढ़ेंगे। अब न्यू आयलैंड इस समय ये मान चो नंबर एक 400 सवा 400। 15 दिसंबर के बाद बाजारें अगर टाइट हुई तो फिर वो नीचे नहीं आएंगे, चाहे कच्ची हो चाहे पक्की हो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाज की नजर, मैं हूँ आपके साथ राजीव। इस समय है बिल्लौर में, अगर बात की जाए तो सुंदर कोल्ड स्टोरेज में हमारे साथ मैनेजर साहब हैं और इसके बाद व्यापारी महोदय भी हैं, किसान भाई भी हैं। अगर बात की जाए तो किसान भाई ऐसे हैं जो लगभग 8-9 हज़ार 5-6 हज़ार पैकेट तो हर साल कोल्ड में रखते हैं और एक मजबूत किसान के तौर पर माने जाते हैं। और हमारे साथ वरिष्ठ मैनेजर साहब हैं जिन्होंने कई वर्षों का इनका अनुभव है। और अगर बात की जाए तो इस कोल्ड 27 साल का अनुभव है। अगर बात की जाए तो इस कोल्ड स्टोरेज में निकासी के मामले में बहुत टॉप एंड टॉप है, तो क्या निकासी का कारण रहा इतनी ज्यादा स्पीड से निकल गया, तो इन इसी बातों में चर्चा होगी। इस क्षेत्र में आलू की कड़ाई क्या पोजीशन है और क्या बिक्री चल रही है। तो मैंने कहा सबसे पहले अपना नाम बता दिए, क्या नाम है? उमेश मिश्रा। मिश्रा जी ये बताइए कि आपका लगातार आपने जैसे बताया 27 वर्षों का अनुभव है, तो इसी कोल्ड में है या कोई चेंज भी किया? यही पहला और आखिरी। अच्छा, पूरा मतलब 27 साल लगातार इसी कोल्ड में? इसी कोल्ड में, अंतिम सांस भी यही निकलेगी। तो आपका तो बहुत वरिष्ठ अनुभव है, अगर बात की जाए तो कई वर्ष आपने देखे होंगे, तो क्या लग रहा है 3 वर्षों से हम लगातार देख रहे हैं कि आलू लगातार एक पोजीशन बनती है और लास्ट तक एक ही पोजीशन रहती है, इसका क्या कारण आपको लग रहा है? लगातार आप देखते होंगे लगातार पोजीशन ही बन रही, आलू ज्यादा धोता है लेकिन उसके बाद खपत की मात्रा भी बढ़ती है हर वर्ष क्योंकि जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती है तो खपत ही बढ़ती है। अब धीरे धीरे इस साल की पोजीशन ये थी कि लोग कह रहे थे कि 30% फेंका जाए, 40% फेंका जाए, 25% फेंका, लेकिन ये सब प्रकृति प्रदत्त चीजें होती हैं। क्लियर है? प्रकृति पे अगर भरोसा करेंगे तो प्रकृति अपनी चाल में चलती है। इस साल का जो अनुभव आकलन साल भर पहले से लगा रखे थे हमारे व्यापारी भाई में, किसान भाई में है, नहीं वरिष्ठ लोग, कई वरिष्ठ ऐसे लोग हैं जिनका अनुभव माना जाता है कि वो कहते हैं कि आलू फेंक जाएगा, तो उन लोगों का भी अनुभव इस साल फेल हो गया। अनुभव हमारा फेल नहीं हुआ, हमारा अनुभव शुरू था, भैया व्यापारी साहब बैठे इनसे पूछो, चर्चाएं बराबर चलती रही और फेंकने के गुल्ली हरा कि कोई कीमत मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती, वो तो बाकी नॉर्मल पोजीशन, बाकी छट्टा आलू सब निकल जाएगा। और अनुमान ये भी है कि 15 दिसंबर के बाद कोल्ड के छट्टा आलू के रेट बढ़ेंगे। कोल्ड के, कोल्ड का जो अगर किसी के पास बचेगा तो छट्टा आलू के दाम बढ़ेंगे। फिर उस समय की अगर बात की जाए तो कोल्ड अधिकांश कोल्ड बंद हो जाते हैं, एक आध कोल्ड शायद आलू किसी में हो, तो बहुत से ऐसे जो हैं, ऐसे लोग हैं जो इस पे जुआ खेलते हैं। अगर अपने क्षेत्र में ऐसा कोई कोल्ड है जो जनवरी दिसंबर तक चलता हो, ऐसा कोई है? अब जैसे हमारे सुशील कटियार जी हैं, सुशील कटियार बाबू जी, वो तो चलता है उनका। ऐसे लोग जो हैं वो अपना कमाते भी और रिस्क लेते हैं तो उनको फायदा होता है। अगर देखा जाए पिछली बार हम लोगों ने देखा था तो जिस समय आलू मंडियों में नया आलू 400 रुपए पैकेट बिक रहा था, उस समय पुराना 1000 में बिक रहा था, यही स्थिति रहेगी? देखिए भैया, ये मौसम की मार के ऊपर है, अगर प्रकृति ने उस ठंडक ने अपना प्रकोप दिखाया तो स्थिति वही हो सकती है जो पिछले साल थी। और हमारा अपना व्यक्तिगत अनुमान जो है वो यही है कि 15 दिसंबर के बाद बाजारें अगर टाइट हुई तो फिर वो नीचे नहीं आएंगे, चाहे कच्ची हो चाहे पक्की हो। अच्छा, दोनों आलू के? दोनों आलू। तो लगभग में अगर बात की जाए तो क्या एक चीज पे और भी चर्चा करेंगे, बाजारें टाइट रहेंगे तो नए आलू का क्या अनुमान लग रहा है, किस भाव में लगभग खुलेगा कुछ? वो हमारा कोई आइडिया नहीं, हम चूंकि पुराने आलू की बात, ये नया आलू लोड नहीं हो पाएगा, नागपुर महाराष्ट्र आसाम को लोड नहीं जा हो पाए, नहीं वो हरा खराब हो जाता है। क्लियर है? इसलिए डिमांड बनी रहेगी, डिमांड बनी रहेगी तो पुराने आलू की डिमांड होगी। और कोल्ड 30 नवंबर तक लगभग लगभग 99% सब खाली हो जाएंगे, 1% जो रिस्क लेंगे वो लाभ कमाएंगे। 1% लेकिन उसमें बहुत कम लोग होते हैं जो रिस्क लेने वाले। तो अपने कोल्ड की अगर बात की जाए तो अपने कोल्ड में लगभग किसानों का आलू कब तक रखा रहता, क्या अंदाजा? 30 नवंबर तक। 30 नवंबर तक, तो 30 नवंबर के बाद ही मशीन वगैरह चलाना बंद होता होगा कि पहले बंद? नहीं, आलू के ऊपर है, अगर हमारे पास 10-5 हज़ार पैकेट रह गया, देखना है कि ज्यादा नहीं तो हम 10 दिन पहले बंद कर देते हैं, अगर आलू है तो हम नवंबर में चलाएंगे, वो आलू के ऊपर बात है। तो अगर बात की जाए तो इस समय निकासी की, तो अपने कोल्ड में निकासी क्या पोजीशन? हमारी निकासी ये मान के लिए 85% हो चुकी है, तो फिर तो आप बिल्कुल प्लस पॉइंट में है। बिल्कुल प्लस पॉइंट। क्या लग रहा है लगभग में इस महीने के लास्ट तक 90 में कांटा छू जाएगा, क्या उम्मीद है 5% तक बढ़ जाएगा? हमारे अनुमान ये है कि 15 से 20 हज़ार पैकेट नवंबर के लिए बचेगा हमारे यहाँ, और 15 से 20 हज़ार पैकेट में कम 5-10 हज़ार के बीच में ऐसा होगा जिसकी कुछ कीमत नहीं मिलेगी,
बाकी सब कीमत मिल जाएगी। तो लगभग में अगर अनुमान किया जाए तो क्या कब तक उम्मीद है कोल्ड अपना खाली होने का, अनुमान है व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए? हम तो ये अनुमान नवंबर में खाली कर देंगे, पूरा नवंबर 15-20 नवंबर तक खाली कर देंगे, 20 नवंबर तक खाली कर देंगे जैसा कि मैंने साहब बता रहे हैं। और अगर बात की जाए पोजीशन की तो इस क्षेत्र में आलू की पोजीशन थोड़ी ठीक ठाक में है, और अगर भाव की बात की जाए तो भाव पे भी चर्चा करेंगे, हमारे साथ व्यापारी महोदय हैं, किसान भाई भी हैं तो इनसे भी चर्चा करेंगे। तो किसान भाई अपना क्षेत्र अपना नाम बता दीजिए, क्या नाम है? अब्दुल रईस। कौन सा अपना क्षेत्र है? ग्राम औरमपुर साबी, बिल्लौर क्षेत्र में ही है। तो अगर बात की जाए आलू की तो आलू गड़ाई वगैरह कितनी करते हैं आप? अगर हम तो गड़ाई 30-40 बीघे कच्चे करते हैं। तो अभी की स्थिति में क्या आलू कोल्ड में कितना आपका रखा हुआ है? हमने तो सब बेच डाला भैया, कुछ नहीं रखा। नहीं तो क्या उम्मीद नहीं लग रही थी कुछ? उम्मीद क्या है, इन्हीं भावों में चल रही बाजार है तो उसी में निपटा दिया। किसान भाइयों को क्या इस समय करना चाहिए, आलू बेचना चाहिए रुकना चाहिए? भाइयों पैसा ले लेना चाहिए जो मिल रहे हैं। इसके बाद 30 नवम्बर को ना कोल्ड चलेंगे और ना आलू रखा जाएगा, उसके बाद भाव बढ़ भी जाए तो क्या फायदा, बाहर अगर 10-12 दिन पड़ा रहे किल्ला आएगा लूट पड़ेगा। लोग ये था कि कई लोगों से हमने बातचीत की, लोग कह रहे कि दीपावली के बाद कोल्ड होगी, स्थिति बहुत नाजुक हो जाती, तो क्या ऐसा लग रहा है इस बार होगी नाजुक? अब भैया देखो, अभी हमें चूंकि हिमाचल पंजाब का जो फसल है उसके ऊपर डिपेंड करता है सब्जी, पिछली साल भी लोग करे आलू नहीं 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 और दिवाली में आ गया था आलू, तो ये सब अभी जो अनुमानित अनुमान है उस पर कुछ नहीं लगाए जा सकते। लेकिन जो हमारा अपना आंकलन, हमारा अपने कोल्ड स्टोरेज आंकलन है वो ये है कि हमारा 30 नवम्बर तक हम बिल्कुल छट्टा आलू, हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, फिर जो आलू बचेगा सफाई वाला बचेगा। तो कुल मिला के वही बात है कि 30 नवंबर तक बिल्कुल खाली हो जाएगा। तो व्यापारी महोदय चर्चा करते हैं, नाम बताइए भैया, क्या नाम है? शैलेंद्र सिंह चंदेल। अपने अगर कोल्ड की बात की जाए तो आप कई वर्षों से व्यापार भी करते हैं, किसान भी होंगे, तो खेती बताइए कितना आलू तक गाड़ते हैं आप लोग? अब हम करीब 20 एकड़ तक गाड़ते हैं। 20 एकड़ तो कोल्ड में अपना आलू औसतन तौर पर अगर देखा जाए कितना रखा? 4,000। तो इस समय कोल्ड में है कुछ आलू की बेच दिया? हमने ज्यादातर निकाल लिया, थोड़ा बहुत बचा थोड़ा। और अगर बिक्री की बात की जाए तो इस समय भाव वगैरह न्यू आइलैंड का क्या? आपने अच्छा नंबर एक अब न्यू आइलैंड इस समय ये मान चो नंबर एक 400-425 बस। और कंचन और सिंदूरी वगैरह? कंचन जो है 200-250, सिंदूरी 250-300। और 97 भी होता नहीं होता है? हाइब्रिड होता होगा, हाइब्रिड 150-250। अच्छा, आपने अगर बात की जाए तो बीज का आलू कोई क्या भाव चल रहा है कुछ मार्केट में ऐसा कुछ अंदाज है? सफेद का कोई भाव नहीं, लाल अगर सिंदूरी है तो वो 100-80 रुपए ये पोजीशन है आज। और आइलैंड का तो आइलैंड कोई कीमत नहीं, आइलैंड का बीज कोई कीमत नहीं। तो वही स्थिति है। अगर बात की जाए बिल्लौर क्षेत्र के कोल्ड स्टोरेज में हम लोग हैं, और कई किसान भाई भी थे, वरिष्ठ मैनेजर भी थे जिनका 27 साल का अनुभव है। इनका कहना है कि 25 दिसंबर के आसपास कुछ आलू के भाव में हो सकता है। हमारा किसान भाइयों से निवेदन है कि सब लोग थोड़ा थोड़ा गेहूं बोएं, थोड़ी थोड़ी राई बोएं, तो ये आलू जो सबको दाम मिले। अब सब लोग फिर गाड़ दिया उत्तर तो फिर दाम नहीं मिलेंगे। अच्छा, मतलब किसान भाइयों से निवेदन ये है कि आलू थोड़ा कम करो। हाँ, थोड़ा थोड़ा कम करो और हाइब्रिड आलू गाड़ो मत। लेकिन एक चीज और भी, हम लोगों ने कई किसानों से बातचीत की, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें आलू कम गड़ रहा है इस बार, कम गड़े तो ठीक, सबको भाव मिल जाएंगे और सब लोग फिर गाड़ देंगे तो क्या फायदा होगा। तो वही बात है, तो हमारे किसान भाइयों से निवेदन है कि थोड़ा थोड़ा कम करें। आलू का भविष्य इस साल कोई खराब नहीं होने वाला, खराब होने को है जो ज्यादा होशियार अपने को समझ रहे हैं। आप तो मान लीजिए समय खत्म हो गया, आप तो कोल्ड का कोल्ड, अब जो आलू जिन लोगों को रखना है, जिन किसानों जो ज्यादा होशियार अपने को बन समझ रहे हैं, चालाक समझ रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिलेगा। भाव और छट्टा बिक जाएगा, क्या भाव बिके ये कोई मान नहीं, लेकिन करिश्मा कुछ होने वाला नहीं। आलू अभी बाराबंकी, आगरा, सिरसागंज, ये जो 30-30% भी अगर बचा है तो आलू पर्याप्त है, बहुत पर्याप्त है ये अभी आप पर्याप्त। लेकिन जो ये आप अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहिए, इसको डायरी में नोट कर लेना, 15 दिसंबर के बाद कोल्ड के हाई छट्टा आलू के दाम बढ़ेंगे, और जब बढ़ेंगे तो नीचे नहीं होंगे, इसको आप रिकॉर्ड कर लेना। आप अगले साल मिलना आके हमसे।